हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके तहत अक्सर ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जो कन्वेंशनल हैं, किसी भी एग्जाम लाइक SSC और बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले एग्जाम्स में आपको वन वर्ड के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं एंड नॉर्मली कन्वेंशनल ही पूछे जाते हैं। इसके अलावे कुछ नए वर्ड भी ऐसे आ गए हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल जो बनाया है उसमें भी मैंने बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कलेक्ट किया हुआ है। तो एक पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स का या 25 वर्ड्स का, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज भी मैंने कुछ वर्ड कलेक्ट किए हैं, तो आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये कलेक्शन कैसा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर कोई और कुछ जानना है, कोई इश्यू है, तो उस पर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एन एडमायरर ऑफ आर्ट मतलब कला का चाहने वाला, मानने वाला, पूजने वाला, जिसको हम हिंदी में वन वर्ड में कला प्रेमी कहेंगे, वो है डिलेटेंटी। डेफिनेटली ये कोई इंग्लिश वर्ड तो नहीं है, या ग्रीक है, या लैटिन है, या फ्रेंच है, बट जो भी है हमें इस तरह के वर्ड आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, तो अगर हम इनको जानते हैं तो फिर हम इनको बना सकते हैं। इसको कॉन्सर भी कहते हैं, इसके लिए एक और वर्ड आता है कॉन्सर, आपने देखा होगा कन्वेंशनल बुक में। ठीक है, नेक्स्ट है हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसका मीनिंग समझना बड़ा ही मुश्किल है, तो उसको एब्स्ट्रूज कहते हैं। ठीक है, यानी जो छिपा हुआ है, एकदम गूढ़ है, या फिर दुर्बोध हम इसको कहते हैं, जिसको समझना मुश्किल हो, आसानी से उसका मीनिंग हम नहीं जान सकते, तो वो एब्स्ट्रूज हो सकता है। नेक्स्ट है वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम मतलब कोई ऐसा रास्ता जो पानी या कोई झरना को निकलने के लिए दिया जाए, दैट इज कॉल्ड आउटलेट, जिसको हम निर्गम स्थान कहते हैं, यानी जहां से कोई पानी या कोई झरना या कोई पानी का बहाव या धारा निकल सके, बह सके, उसे हम वन वर्ड में आउटलेट कहेंगे। नेक्स्ट है ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, दोस्तों आपने देखा होगा हॉलीवुड फिल्मों में जो सेना है वो पैराशूट के जरिए कहीं उतरते हैं, जंगल में उतरते हैं या किसी बड़ी इमारत की छत पे उतरते हैं, तो वैसे सिपाहियों को पैरा ट्रूप्स कहते हैं जो स्पेशली ट्रेंड किए जाते हैं कहीं भी पैराशूट के जरिए जमीन में उतरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैराशूट देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि पैरा ट्रूप और पैरा, तो इसको आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं कि पैराशूट से जो ड्रॉप किए जाते हैं सैनिक उसको क्या कहते हैं, तो उसको पैरा ट्रूप्स कहते हैं। और ट्रूप आप तो जानते हो, ग्रुप ऑफ सेना, जो सेना का जो ग्रुप है, आर्मी का जो ग्रुप है, उसको यानी टुकड़ी हम कहते हैं, उसको हम ट्रूप कहते हैं। नेक्स्ट है टच और स्ट्रोक लविंगली, किसी को बड़े ही लाड प्यार से थपथपाना, दुलारना, लाड करना, उसको हम फोंडल कहते हैं। केयरलेस भी होता है CARELS, आप वो भी देख सकते हैं ऑप्शन में, अगर रहा तो वो भी होगा, अदरवाइज फोंडल इज द आंसर, किसी को लाड प्यार करना या प्यार से सहलाना। थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, दोस्तों आपने देखा होगा किसी पेपर में एक कॉलम होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कोरिगेंडम, हिंदी में लिखा होता है शुद्धि पत्र, इसका मतलब ये है कि उस एक पहले कोई एडवर्टीजमेंट आया होगा जिसमें कुछ गलती हो गई होगी, अब उसको सुधार कर दूसरे दिन फिर से वो एडवर्टीजमेंट छाप दिया जाता है, लेकिन इस बार हेडिंग होता है कोरिगेंडम, मतलब ये शुद्धि पत्र है जिसमें पिछली गलती को सुधार कर रखा गया है, तो कोरिगेंडम इसको हम कहते हैं, हिंदी में शुद्धि पत्र कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार कर जब हम वापस छापते हैं तो वो कोरिगेंडम कहलाता है, आप कोई भी न्यूज़पेपर में कोरिगेंडम वाला कॉलम देख सकते हैं। नेक्स्ट दैट विच कैन बी रूटेड आउट इराडिकेबल कहलाता है, ऐसी कोई चीज जिसको जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके, रूट आउट का मतलब है उखाड़ कर फेंक देना, तो ऐसी कोई चीज जिसको आसानी से उखाड़ कर फेंका जा सकता है उसको इराडिकेबल कहते हैं। इराडिकेट वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब है उखाड़ना, जैसे कोई
परंपरा है, कोई पुरानी प्रथा है जिसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया हो, जैसे सती प्रथा की बात करें या बाल विवाह ज्यादातर अभी नहीं होते हैं, तो उसको इरेडिकेट कर दिया गया हो, तो ऐसी कोई चीज जिसको इरेडिकेट किया जा सके वो इरेडिकेबल होगा, यानी जिसको आसानी से उखाड़ कर फेंका जा सके, यानी रूट आउट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। ये बड़ा ही फेमस है लिटरेचर में, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लेगियरिस्ट कहते हैं उसको। प्लेगियरिस्ट मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी दूसरे के साहित्य में से आइडियाज को चुराता है, उसको प्लेगियरिस्ट कहेंगे, और इस क्रिया को प्लेगियरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का चोरी है, लेकिन कोई स्टीलिंग मतलब सामान चुराना नहीं है, आइडिया चुराना, कोई टॉपिक चुराना, कोई और जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे कि दो फिल्मों की कहानी मिलाकर एक फिल्म बना देते हैं, तो ये प्लेगरिज्म हो गया। ठीक है, चुराना है लेकिन कोई वस्तु नहीं, विचारों को चुराना, इसको हम साहित्यिक चोरी कहते हैं, ये ओनली फॉर लिटरेचर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है समथिंग दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी अगले आने वाली चीज के बारे में बताता हो। जैसे अगर हम बात करें मौसम की, तो ठंड के बाद आता है गर्मी, तो गर्मी ठंड को हम कह सकते हैं, विंटर को हम कह सकते हैं कि विंटर इज द हार्बिंगर ऑफ समर, बिकॉज विंटर क्या करता है, उसका आना यह साबित करता है कि आगे गर्मी यानी कि समर आने वाला है। तो ऐसा कोई जो पहले आता हो और आने वाले दूसरे के बारे में बताता हो उसको हार्बिंगर कहते हैं, तो विंटर इज द हार्बिंगर ऑफ समर। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, तोपों के ऊपर जो सोल्जर्स होते हैं वो आर्टिलरी कहलाते हैं। बिग गन्स हम तोप को कहते हैं, तोप चलाने वाले सैनिक जो होते हैं वो आर्टिलरी होते हैं, या वो सेना जो तोप पर आती है। सेना बहुत तरह के आपने पढ़ा होगा, जमीन पर चलने वाली, घोड़े पर, हाथी पर, सबके लिए अलग अलग वर्ड आते हैं। सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, इतना गहरा जिसकी गहराई को नापा ना जा सके, जैसे समुद्र अथाह गहरा होता है, जिसको अगाध या अथाह कहते हैं, उसको अंग्रेजी में अनफैदोमेबल कहेंगे, यानी अथाह जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, जिसके अंत तक नहीं पहुंचा जा सकता, जिसके बॉटम को नहीं छुआ जा सकता। नेक्स्ट है सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, कोई ऐसा क्राइम जैसे कि बहुत ही घातक हो, जघन्य अपराध हो, महाअपराध के अर्थ में हम फैलानी का इस्तेमाल करेंगे, मर्डर जैसा कोई महाअपराध है, या और भी दूसरे अपराध होकर उस टाइप का है, उस लेवल का है जो महा हो, बहुत बड़ा अपराध हो, चोरी वगैरह की बात करें तो ये छोटे अपराध हो गए, तो उससे बड़े जो अपराध है महाअपराध, उसके लिए हम फैलानी का इस्तेमाल करेंगे, ये वर्ड आप याद रखियेगा। नेक्स्ट है सर्च इन द डार्क, अंधेरे में ढूंढना, जिसको हम टटोलना कहते हैं, अगर हम उजाले में कुछ ढूंढ रहे तो हम कहते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो, लेकिन अगर कोई अंधेरे में ढूंढ रहा है इसका मतलब वो चीज को दिख नहीं रही, तो वो कैसे ढूंढेगा, तो वो टटोलेगा, तो टटोलना को अंग्रेजी में ग्रोप या फंबल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आते हैं वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं आते। अभी देखिए ये कोई पूछने का सवाल है कि सर्च इन द डार्क क्या कहलाता है, ये तो एक वोकैबुलरी है कि अंधेरे में ढूंढने को यानी टटोलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें आते हैं। तो अब इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो वोकैबुलरी पर बेस्ड है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, एनी वर्ड फ्रॉम योर वोकैबुलरी, तो ये बनाने के लिए आपका वर्ड पावर बहुत बहुत अच्छा होने की जरूरत है, अगर नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एंड इट्स अ बैड न्यूज फॉर यू। सो प्लीज अपने वोकैबुलरी को एनहांस कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो कुछ और देखते हैं इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सर्च फॉर समथिंग, कुछ तलाशना, अभी हमने देखा अंधेरे में तलाशना, दैट वाज फंबल एंड ग्रोप, GROPE। नेक्स्ट आप देख रहे हो सर्च फॉर समथिंग, कुछ ढूंढना,
इसको हम खोज कहते हैं, जैसे सोने की खोज, या फिर कोई आप बहुत ही चीज, कोई चीज बहुत ही मन से ढूंढ रहे हैं, अन्वेषण जिसको हम भी हम कह सकते हैं, तो उसको क्वेस्ट कहते हैं, यानी तलाशी, तलाशना या खोज करना, जैसे सोना ढूंढना या कोई खजाना ढूंढना, कोई राज ढूंढना क्वेस्ट होता है। नेक्स्ट है सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, दैट इज कन्वेंटिकल, मतलब गुप्त धार्मिक सभा, कोई रिलीजियस मीटिंग हो, सीक्रेट हो। अब तो सीक्रेट की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में जब धर्म का प्रचार होता था, तो जो विरोधी धर्म होते थे वो नहीं चाहते थे कि ये लोग आपस में कहीं एक जगह इकट्ठे हों, तो अगर कभी ऐसे हुए वक्त बेवक्त, सुबह शाम या रात, तो उसको कन्वेंटिकल कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, मतलब एक तरह का सैलरी हम कह सकते हैं शॉर्टकट में, लेकिन इसको रिम्यूनरेशन कहते हैं, जो आपकी सेवा के बदले में आपको दिया जाता है। आप कहीं पे फॉर्म वगैरह में देखेंगे जहाँ पे सैलरी की बात होगी, वहां पे सैलरी की जगह रिम्यूनरेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है, दैट मीन्स वो सैलरी की बात कर रहा है। तो वर्ड्स दोस्तों इस तरह से बदल दिए जाते हैं, जो ऑड हो गए हैं या ओल्ड हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, उनके बदले अब थोड़े से नए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको भी नए शब्दों को अपडेट कर लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। नेक्स्ट है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, मतलब इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट बदला लेना। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप बड़े हो गए, बाद में आप छोटे थे, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप बड़े हो गए, फिर आपने वही बुरा बर्ताव उसके साथ भी किया, तो ये बदला हो गया, इसी को रिटेलिएट कहते हैं, बदला लेना। ठीक है, वेंडेटा, यू नो, फैमिली फ्यूड वगैरह। रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, अपने ही देश में लौट आना, देश को लौटना, दैट इज रिपैट्रिएट। ठीक है, तो रिपैट्रिएट में हो गया देश को लौट आना, यानी अपने देश को लौट आना, किसी दूसरे देश में जाना नहीं, आप कहीं कमाने गए होंगे, वहां से वापस अभी आप आ गए, तो ये हो गया रिपैट्रिएट। एक होता है दोस्तों एक्सपेट्रिएट। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेट्रिएट, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप पता करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेट्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्व्ड इन स्पीच, सो सिंपल, इसको कई तरीके से पूछा जाता है, यानी जो बोलने में रिजर्व हो, मतलब कम बोलने वाला। अब आप समझ गए होंगे कि रेटिसेंट का क्या मतलब है, जो कम बोलता है, अल्पभाषी, इसके कई सिनोनिम होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होगा। नेक्स्ट है रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी धार्मिक उपदेश, जिसको हम सरमन कहते हैं, सरमन मतलब कोई डिस्कोर्स यानी उपदेश जो साधु संत देते हैं या किसी चर्च के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो सरमन है, वो उपदेश है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपके पास आपके लिए 20 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रखा, आप इसे देखें, बहुत ज्यादा आपको इसको देखने में 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप 10 मिनट में 20 इडियम, 20 वन वर्ड या 20 एंटोसिनो कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए आप अपना 10 मिनट का समय जरूर लगाएं और ऐसे वीडियोस को देखें। और ये एडुकेशनल वीडियोस हैं दोस्तों, ये कोई टेक्निकल वीडियोस या दूसरे वीडियोस नहीं है कि थोड़े में समझ में आ गया, अब इसको बंद कर दें, कुछ और देखें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एडुकेशनल वीडियोस को आप पूरा देखा करें, वरना ये होगा कि कोई बात आपकी अधूरी रह गई और पूरी नहीं हो पाई, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे में आप कहीं अगर एग्जाम दे रहे हैं और आधी अधूरी जानकारी के साथ दे रहे, तो यू बेटर नो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, तो नीम हकीम खतरे जान वाली हाल हो जाएगी, इसलिए एडुकेशनल वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वर्ड्स कलेक्ट करके ला सकूं। बस आप अपना समय दें और मैं भी आपको अपना समय दे रहा हूँ, तो ये एक अच्छा चीज क्रिएट करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।